नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो आप यहां पर देख रहे हैं 12 शिक्षकों के मानदेय में खतरा, 4% मानदेय ऑफ। आपको बताते चले, देखिए यहां पर जो है कि आपको 4000 सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका, आकलन परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे ये 4000 पारा शिक्षक। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन सहायक अध्यापकों का सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ है उनके बढ़े मानदेय पर रोक लगा दी गई है और इसके बाबत जो है पत्र भी यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। आकलन परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है, 10 फरवरी तक की गई है। इससे पहले बताया जाता है कि 31 जनवरी था, 31 दिसंबर था, फिर 31 जनवरी हुई है और फिर यहाँ पर 14% शिशुओं का नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है डेट 10 फरवरी किया गया है। इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत से सहायक अध्यापक जो है इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं और प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कर रहे हैं। विभाग कहा है कि अभी ऐसे शिक्षक जो प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका प्रमाण पत्र जाली है, तो उन पर केस नहीं किया जाएगा। एक बात निकल के आ रही है कि उन पर अभी केस नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सरकार की तरफ से नहीं दी गई। इधर शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय दुबे ने कहा है कि यह दोष शिक्षकों का नहीं है, जब भी बहाली हो रही थी तो प्रमाण पत्र सत्यापन करवा करते ही आगे कार्यक्रम था, विभाग का है, इसलिए सभी को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। तो इस तरह की बहुत बड़ी आ रही है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आप सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारे YouTube टीम की तरफ से यहां पर जो है क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें 151 रुपये दे करके आप लोग यहां सभी कोई जुड़ सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं और देख सकते हैं सारे नोट्स और पाठ्यक्रम पर आधारित NCERT सारा PDF। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।